नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सोरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुंडनी में अज्ञात बाइक सवारों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना ग्राम पंचायत ददोना के ग्राम कुंडनी की है, जिसमें रजनीश पुत्र श्री कृष्ण यादव अपनी पत्नी के साथ रामपुरा से दवा लेकर वापस आ रहे थे। रास्ते में ही दो अज्ञात बाइक सवारों ने उनका पीछा किया और रजनीश को रोककर गोली मार दी और उनके संग बैठी उनकी पत्नी शिल्पी यादव से लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। घायल को इटावा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश अपाचे पर सवार थे, जिसका नंबर UP84AE2153 है, जो किसी शिव प्रताप के नाम पर रजिस्टर्ड है। घटनास्थल पर CO छिबरामऊ शिव कुमार थापा व SAP कन्नौज के साथ SO राजकुमार सिंह मौके पर पहुंचकर जायजा लिया गया। अज्ञात बदमाशों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और छानबीन में जुटी है पुलिस। नाम क्या है आपका? आदित्य कुमार। अच्छा, क्या घटना हुई? घटना, हमारे चाचा दवा लेने गए थे कुवारमपुरा, वहाँ से लौटने पर उन्होंने जो है सोना चांदी देखा और पीछा। किन्होंने देखा, किसने देखा? बदमाशों ने। अच्छा, सोना चांदी देखकर उन्होंने पीछा किया। लगभग 1 किलोमीटर तक पालनटा से गए जी। पीछा करने मेन रोड से गांव की तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने पीछा करके बाइक आगे खड़ी करके रोक के और जो है गुत्थम गुइया हुई उनकी चाचा की, विरोध किया उन्होंने। विरोध करने पर उन्होंने फायरिंग कर दी, दो गोलियां मारी, चाचा हमारे गिर गए और चाची से कहा जितना आपका सोना चांदी है वो सब हमें हाथ में दे दो। अच्छा, क्या क्या लूट के ले गए? दो अंगूठियाँ और मंगलसूत्र, हाथों की चूड़ियाँ और कानों के झाले, ओम और मंगलसूत्र और दो लड़ ले के और धमकी दे के चले गए, अगर नहीं दोगे तो मैं भी गोली मार देंगे। अच्छा, तो अब बदमाश किससे थे? बदमाश ब्लैक कलर की अपाचे गाड़ी थी और वो ले के चले गए सड़क की तरफ।